अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज़ नायक सां गॾु आहियां। मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नायक ऐं मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामेर तजनगार पोलिटिकल एनलिस्ट जनाब सुहेल सांगी साहबु। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त प्रोग्राम जी शुरूआति जीअं तव्हां ॾिठो त पाकिस्तान जे अंदरि चइनी सूबनि जे अंदरि ज़िमनी चूंडूं जेके थियूं आहिनि ऐं उनमें क़ौमी असम्बली जा 5 तक हुया, जॾहिं त सूबाई असम्बली जा जेके तक हुया उहे 12 पंजाब जा, 2 खैबर पख़्तूनख्वा जा ऐं 2 जेके आहिनि उहे बलोचिस्तान जा तक उनमें शामिलु हुया। त मजमूई तौर ते 16 सूबाई सिम जा तक ऐं 5 क़ौमी सिम जा तक 21 तक ते चूंडूं थियूं ऐं उन चूंडुनि जे हवाले सां नतीजनि अचण जो सिलसिलो जारी आहे। ऐं पर अॼु चूंडुनि जे हवाले सां जेके अहम ख़बरूं थियूं आहिनि उहे इहे आहिनि त पंजाब जे अंदरि काफ़ी तकरार थिया, झगड़ा थिया ऐं पंहिंजो नारोवाल जे अंदरि जेको आहे हिकिड़ो PMLN जो कारकुन बकौल, जंहिंजी हुन दावा कया त उन्हनि जो कारकुन हुयो, उहो क़तल बि थी वियो ऐं उनखे लठियूं बि हणियूं वियूं। ऐं उनखां अलावा बि मुख़्तलिफ़ जाइनि ते, गुजरात हुजे, लाहौर हुजे, या रहीमयार ख़ान हुजे उते, या डेरा गाज़ी ख़ान हुजे उते, जेको आहे झगड़ा थिया आहिनि। बहरहाल दिलचस्प सूरत हाल आहे चूंडुनि जे हवाले सां। जे कल्ह बि असां प्रोग्राम में कयोसीं त जेके सूबाई क़ौमी सिम जा जेके 5 तक आहिनि उन्हनि तकनि मां हिकिड़ो तक सिंध जे अंदरि आहे, जेको कंबर शहदाद कोट में आहे, जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहिबु ख़ाली कयो हुयो। हालांकि ख़ाली त सिंध मां क़ौमी सिम जा 2 तक थिया हुया, हिकु सदर नवाब, हिकु तक जेको आहे नवाब शाह मां सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहिबु जे सदर थी वञण जे करे उहो ख़ाली थियो हुयो। पर उन तक ते आसिफ़ अली ज़रदारी साहिबु ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी नियाणी आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा जेका उहा अनअपोज़ थी हुई, तंहिं करे चूंड सिर्फ़ु हिकिड़े तक ते थी पई, उहा कंबर शहदाद कोट में आहे। जेका बि चूंड जे नाले में हिकिड़ो अमल चूंड अमल थिए पियो, छाकाणि त उते जेको आहे मेन जेको कंटेंडर हो उहो जेको गुज़िरियल भेरे, त हालांकि उनमें बि तमामु घणो फ़र्क़ु हुयो, उहो हुयो JUI जो नासिर महमूद सुमरो साहिबु। पर JUI हिन भेरे किथे बि पंहिंजो उमेदवार न बीहारियो आहे, तंहिं करे उन तक ते बि उनजो उमेदवार कोन हुयो। त TLP हुते पंहिंजी एंट्री ॾिनी आहे ऐं उते, तंहिंजे करे अॼु उन उते का चूंड अमल त थियो, पर एॾो को ख़ासि मुक़ाबिलो असांखे उते थींदे नज़र न आयो, छाकाणि त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो स्ट्रांग होल्ड आहे उते। हूअं बि जनरल इलेक्शन जे अंदरि बि 50,000 खां वधीक जी लीड ते बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहिबु इहा सीट खटी हुई JUIFA खां। उनखां अलावा जेको पंहिंजो पंजाब जे अंदरि जेके क़ौमी सिंह जा 2 तक हुया, उन्हनि 2 तकनि मां हिकु तक जेको ख़ाली कयो हुयो उहो शहबाज़ शरीफ़ साहबु ख़ाली कयो, उहो कसूर जो तक हुयो, जिते शहबाज़ शरीफ़ साहबु 137,000 वोट खया हुया, जॾहिं उनजे मुक़ाबले में 111,000 वोट खया हुया उन वक़्तु आज़ादु उमेदवार तौरु पंहिंजो PTI जे हिमायत याफ़्ता उमेदवार जेके आहिनि उहे खया हुया। ॿियो तक जेको आहे उहो मरियम नवाज़ साहिबा ख़ाली कयो हुयो NA 119 लाहौर जो, ऐं उहो जेको हुयो उहो उते बि मुक़ाबिलो जेको आहे अॼु थिए पियो ऐं उनजा नतीजा अचनि पिया, मुक़ाबिलो थी चुको आहे, नतीजा अचनि पिया। ख़ैबर पख़्तूनख्वा जा 2 जेके क़ौमी सिंह जा तक हुया, उन मां इंतिहाई दिलचस्पी जो मर्कज़ जेको हुयो उहो डेरा इस्माइल ख़ान वारो तक आहे, जिते गुज़िरियल भेरे 3 लीडिंग फिगर्स जेके आहिनि पोलिटिकल पार्टीज़ जूं उहे बीठियूं हुयूं, ऐं उन मां हिकिड़ो जेको आहे जंहिं उहो तक खटियो हुयो अली अमीन गंडापुर साहबु, इहो तक खटियो हुयो ऐं उन 93,000 खनि वोट खया हुया, 60,000 जे लॻभॻि वोट खया हुया जमियत उलमा इस्लाम जे सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान साहबु, जॾहिं त उते टियों जेको मुख्य उमेदवार हुयो उहो फैसल करीम कुंडी साहबु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अॻुवाणु आहे, उन्हीअ बि 35,000 खनि वोट उतां खया हुया। पर हिन भेरे जीअं ॿुधायोसीं त जमियत उलमा इस्लाम सॼे मुल्क में किथे बि हिन बलदिया ज़मनी चूंडुनि में पंहिंजो को बि उमेदवार न बीहारियो आहे, तंहिं करे उन तक ते बि हिन वक़्तु पीपल्स पार्टी ऐं सुनी इतिहाद कौंसल, छाकाणि त हिन वक़्तु PTI जा समूरा उमेदवार जेके आहिनि उहे सुनी इतिहाद कौंसल जे प्लेटफॉर्म तां बीठा आहिनि, त सुनी इतिहाद कौंसल जे विच में मुक़ाबिलो आहे। फैसल करीम कुंडी साहिब जो बि हिकिड़े ख़ानदान जो माण्हू बीठल आहे ऐं गंडापुर साहिब जे बि हिकिड़े ख़ानदान जो माण्हू बीठल आहे, त उहे जेके आहिनि उहो मां सम्झो त काफ़ी दिलचस्प उते आहे। उनखां अलावा पंजाब जे अंदरि लाहौर मां अलीम ख़ान जी ख़ाली थियल सीट ते बि मुक़ाबिलो थिए पियो ऐं रहीमयार ख़ान जी जेका इलेक्शन न थी हुई ऐं उते, छाकाणि त उते हिकिड़ो उमेदवार जे फौत थी वञण जे करे उहा न थी, उते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं PMLN जे विच में मुक़ाबिलो आहे ऐं पीपल्स पार्टी हेल ताईं जेके अंग खराया आहिनि उहो पीपल्स पार्टी जी पोज़ीशन बहितरु आहे, छाकाणि त रहीमयार ख़ान में मखदूम अहमद महमूद
बेन जेके पुराणन पार्टी वर्करन जे करे पंजाब जे उन्हन इलाके जिलन मां एक जिलो आहे जिते पीपल्स पार्टी अज भी तमाम पंजा स्ट्रांग जेका हन फुटप्रिंट्स रखे थी पई। इन सजे मामले ते गुफ्तु कंदासूं ऐं तव्हांखे अपडेट भी कंदासूं पंहिंजो उन हवाले सां पंहिंजा जेके असांजा नतीजा जेके आहिनि जे उहो जीअं जीअं उन्हनि में तब्दीली ईंदी वेंदी उन हवाले सां बि तव्हांखे अपडेट कंदासूं। पर हिन वक़्तु असांखे कंबर शहदादकोट मां असांजे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज्वाइन कयो आहे, अचो त उन खां हाल अहिवाल वठूं। हा शाहिद हुसैन, सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। छा सूरत हाल रही अॼु चूंडनि जे हवाले सां, नाज़रीन खे थोरो मुख़्तसिर लफ़्ज़नि में ॿुधाइजो। जी बिल्कुल साईं, पूरी मुल्क जी आहे, शहदादकोट में बि जेका नंढी चूंड जो जेको अमल आहे उहो ख़ैर ख़ुबी सां थी गुज़रियो, जंहिंमें जेको वोटरनि जो जेको टर्न आउट आहे उहो शहरी पोलिंग में तमामु घटि नज़र आयो। शहर जे जेके बि तक़रीबन 50 खां वधीक जेके सिटी जे इलाइक़नि में जेके पोलिंग स्टेशन्स आहिनि उते वोटरनि जी जेका टर्न आउट आहे उहो तमामु घटि रहियो, 100 खां बि घटि उन्हनि जो जेको आहे सो रेशियो नज़र आयो। नतीजा केतिरा अची चुका आहिनि शाहिद हुसैन? हा सर, बिल्कुल हिन वक़्त ताईं 65 पोलिंग स्टेशन जो जेको नतीजो आहे उहो मूं ताईं पहुतो आहे, जंहिंमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार आहे खुर्शेद अमन जुणे जो, जंहिं 15,932 वोट हासिल करे सघियो आहे 65 पोलिंग स्टेशन ते, जॾहिं त तहरीक लबैक पाकिस्तान जे मौलवी मोहम्मद अली पावर जेको आहे 360 वोट हासिल करे सघियो आहे। मां पंहिंजे नाज़रीन खे ॿुधाईंदो हलां त अॼु जेको जेको वोटरनि जो जेको जोश जज़्बो हो उहो शहर में त बिल्कुल बि नज़र न पिए आयो, ऐं माण्हुनि खे शहर जे माण्हुनि खे ख़बर ई न हुई त का चूंड बि आहे। अलबत्ता जेके बहराड़ी वारा इलाइक़ा आहिनि उते तमामु घणी जेका वोटरनि जी रश रही, जिते जेको वोटरनि पंहिंजे जेको वोट जो हक़ अदा कयो, सिक्योरिटी जा इंतज़ाम जेके आहे उहे सख़्त हुया। अच्छा, का जहिड़ो जटो, का चपकलिश, को किथे पोलिंग देर सां शुरू करण, किथे अमले जो न पहुचण, जेके इंतिरा आम तरह ते पोलिंग अमल में इहे जेके फ्लॉज नज़र ईंदा आहिनि या के झगड़ा झटा, उहे के तव्हांखे नज़र आया, के रिपोर्ट थिया आहिनि? सर, ॻाल्हि इहा आहे त हिकु पासे ॾांहुं इलेक्शन हुई, तंहिंजे करे किथे बि अहिड़े क़िस्म जी काई बि सूरत हाल नज़र न आई। तहरीक लबैक पाकिस्तान जो जेको कंहिं बि हंध ते जेको उमेदवार आहे जो जेको एजेंट हूंदो आहे उहो पिण नज़र न पिए आयो। होॾां जेको आहे सो जेके असांजो पीपल्स पार्टी जा जेके उमेदवार हुया उन्हनि जो जेको आहे उहो असांजो एजेंट वग़ैरह उहे नज़र आया, बाक़ी किथे बि जेको आहे सो का उन्हनि जी कैंप या को अहिड़ो माहौल किथे बि नज़र न आयो। लाहौर मां असांखे ज्वाइन कयो आहे बाबर डोगर साहब, पंजाब जी सूरत हाल मालूम कयो था। डोगर साहब, आपकी बड़ी नवाज़िश, आपने हमें टाइम दिया, क्या अपडेट्स हैं अब तक की पंजाब के अंदर, क्योंकि आज के जो इंतखाबात थे उसमें सिंध के अंदर एक हल्का था कौमी असेंबली का, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दो कौमी असेंबली, दो सूबा असेंबली के, और इसी तरह अपना बलूचिस्तान के अंदर भी चार हल्के थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर दो कौमी असेंबली की नशस्तें और 12 सूबा असेंबली की नशस्तें, 14 नशस्तों पर इंतखाबात हुए हैं, क्या अपडेट्स हैं अब तक की आज का दिन, क्योंकि एक कत्ल भी सुना है कि नारोवाल के अंदर हुआ है? जी बिल्कुल, पंजाब में आपको पता है कि नून लीग की अपनी गवर्नमेंट है, और आपने जो 14 सीटों की बात की जिसमें दो कौमी असेंबली की सीटें हैं, एक लाहौर से है और एक कसूर से है। लाहौर की सीट मरियम नवाज ने छोड़ी थी, कसूर की सीट शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने छोड़ी थी। इसके अलावा बाकी जो सीटें थी, मेजोरिटी सीटें जो थी वो नून लीग की अपनी ही खाली करदा सीटें थी। जिस तरह से मरियम की लाहौर से एक सीट, उन्होंने दो सूबाई असम्बलियों की सीटों पर लड़ा था, एक सूबाई असम्बली की सीट छोड़ी, एक हमजा ने शहबाज ने एक सीट छोड़ी, दो शहबाज शरीफ सूबाई दो असम्बली की सीटों से लड़े थे, उन्होंने भी दो सीटें छोड़ी थी। तो इस तरह राणा तनवीर जो है वो भी फेडरल मिनिस्टर है, उन्होंने एक सूबाई असम्बली की सीट छोड़ी थी, उस पर इलेक्शन हो रहा था। एहसन इकबाल के हल्के में एहसन इकबाल ने एक सीट छोड़ी थी, वहां पे उनके बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मेरा मतलब कहने का मतलब कि मेजोरिटी सीटें नून लीग की अपनी थी जो उन्होंने छोड़ी थी। हाँ, तो अलीम खान की भी एक सीट शामिल थी लाहौर से, अलीम खान ने जो है अपना एक सीट छोड़ी थी अपना, वो भी एक थी। और उसके अलावा शेखुपुरा से राणा तनवीर की आपने बात की, एहसन इकबाल साहब ने
और एक सीट जो है चौधरी सालिक साहब ने छोड़ी थी गुजरात से। तो जी जी मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि सीटें वो थी जो नू ली की अपनी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि शहाब सदीकी जिस सीट पे सूबाई असम्बली की 149 पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी वो आईपीपी की सीट है, वो अलीम खान साहब ने छोड़ी थी। इसी तरह सालिक नवाज ने गुजरात से एक सीट छोड़ी थी जहां पर उनके छोटे भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन ये सारी वो सीटें या नू लीग ने छोड़ी या उनकी हमायत याफ्ता जो कैंडिडेट थे उन्होंने छोड़ी। डेरा गाजी खान से तो अवैस लगारी साहब ने छोड़ी, वो ना तो नून लीग से थे ना हिमायत याफ्ता थे। नहीं नहीं अवैस लगारी नून लीग से थे। अच्छा अच्छा अवैस लगारी फेडरल मिनिस्टर है सर इस वक्त। ओके 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 जी, तो वो भी नून लीग के सेक्रेटरी हैं पंजाब के। अब क्या सूरत हाल बनी? अवैस लगारी नून लीग पंचिंदारा सना सदर है, अवैस लगारी जो है वो नून लीग के सेक्रेटरी है और उन्होंने वहां से एक सीट छोड़ी थी जहां से उनके बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन बल ओवरऑल जो सिचुएशन है वो ये अभी तक जो रिजल्ट आ रहे हैं, एक चीज याद रखें कि यहाँ पे मरियम नवाज की हुकूमत है। मरियम नवाज जो है वो अपने फ्यूचर में अपने आप को प्राइम मिनिस्टर भी देखती हैं, वो फ्यूचर में अपने आप को नून लीग का प्रेजिडेंट भी देखती हैं। तो वो किसी तरीके से ये अफोर्ड नहीं करती कि पंजाब से नून लीग कोई सीट लूज करे। जैसे भी हो नून लीग को उन्होंने जितवाना है। अगर चाहे कि अभी तक उनको 2 महीने हो गए चीफ मिनिस्टर बने, कोई बड़ी पॉलिसी। लेकिन डॉक्टर साहब क्या आपके ख्याल में रिगिंग हुई है? वो रिगिंग करवा के जितवाएंगी, असर रसूख इस्तेमाल करके जितवाएंगी, अपना कोई अपना तरक्याती अपना मंसूबों का ऐलान करके जितवाएंगी, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का जो हरबा होता है उससे जितवाएंगी, या ठप्पे लगा के जितवाएंगी, जितवाएंगी किस तरह वो? क्योंकि लोगों ने अगर वोट नहीं दिया अपना नून लीग को, जिस तरह के अपना हमें नजर आया था 2024 के जनरल इलेक्शन के अंदर, तो उस वक्त तो उनकी सूरताल काफी खराब थी। देखिए 2 महीने में नून लीग ने कौन सी ऐसी पॉलिसी लेके आए हैं जिससे कि लोग उनके गिरविदा हो जाए? पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई। इन्होंने वो रमजान पैकेज का अनाउंस किया, वो एक फ्लॉप शो था। उसके बाद इन्होंने नान की कीमत 30 रुपए से 20 रुपए कर दी। मैं खुद आज सुबह 30 रुपए का ही नान लेके आया हूँ। अभी तक वो पॉलिसी 3 दिन से हुकूमत इंप्लीमेंट नहीं करवा सकी। लाहौर में, मैं लाहौर के बाहर की बात नहीं कर रहा, लाहौर में वो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। तो अभी तक गवर्नमेंट पे तो इल्जाम यही है कि ये 47 की फॉर्म की गवर्नमेंट है। और इसमें ये भी हकीकत है कि नून लीग मेजोरिटी सीटें लाहौर से हार गई थी जो कि बाद में जितवाई गई नवाज शरीफ। ये जो उस वक्त पुरानी बातें छोड़े, इस वक्त तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि नून लीग की अपनी सीटें हैं, जो आपने कहा है कि या तो शहबाज शरीफ ने छोड़ी या राणा तनवीर ने छोड़ी या मरियम नवाज ने छोड़ी या अवैस लगारी साहब ने छोड़ी, वो तो अगर उनकी अपनी सीटें हैं जो उस वक्त भी वो जीत गए थे, तो इस वक्त उनको जो पीटीआई की तरफ से कहा गया था कि एक बड़ा उस पर इम्पेक्ट होगा, शायद पीटीआई कम बैक करे, क्योंकि उसके बारे में तो कहा जाता था कि फॉर्म 47 पे तो बात की बात है। हमारे साथ रहिएगा गजनफर अपना बाबर साहब, हम डोगर साहब हम आपसे बात करते हैं, लेकिन बलो क्वेटा में असंख्य गजनफर साहब ज्वाइन किया बलोचिस्तान की सूरत हाल उनका मालूम के था। जी गजनफर साहब सलाम अलैकुम। जी सर क्या सूरत हाल है बलोचिस्तान के इलेक्शन के हवाले से? जी बलूचिस्तान में 3 जो जमनी इंतखाबात हो रहे हैं 3 हलकों में, PB-22 लफजेला है, PB-50 किला पुल्ला है, PB-20 जो है खुर्दाद 3 है। तो अगर किला आपको किला पुल्ला के हवाले से बताऊं तो इस वक्त वहां पर थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि बदमजगी हुई है, मुसल्ला अफराद का मुबैना तौर पर पोलिंग स्टेशन में गए हैं और जिसके बाद जो है इलेक्शन कमिश्नर ने भी उसका नोटिस लिया है और IG पुलिस उनका ताल्लुक किस पार्टी से बताया जा रहा है। किला अब्दुल्ला के हवाले से ANP के जो जमरा खान अचकजई हैं वो गुज़िश्ता 2 अदवार में वहां से जीते हैं और तीसरी बार फिर जीते थे, ताहम हाई कोर्ट के हुक्म पर जो है दोबारा से पोलिंग का कहा गया, जिसके बाद ये री पोलिंग हो रही है वहां पर। और इस री पोलिंग के दौरान जो अब तक पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आए हैं, मुकम्मल पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट नहीं है, जो इब्तदाई तौर पर रिजल्ट आया उसमें पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मीरवाइज अचकजई जो है वो 13,688 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं, जबकि 5,576 वोट के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर है। तो बाकी पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन उससे पहले जो है वहां पर पोलिंग का अमल डिस्टर्ब हो चुका है। मेंगल साहब की सीट पे क्या होने जा रहा है? मेंगल साहब ने जो छोड़ी है खुजदार की सीट,
खुशदार की सर ऐसा है कि सरदार अख्तर मैंगल जो बीएनपी के सरबराह हैं उनके कजन हैं चचाजाद भाई मीर जहांदेव मैंगल, वो वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं आजाद उम्मीदवार जालवान अवामी पैनल के हमायत याफ्ता शफीकुल रहमान वो उनके मुकाबले में है। तहम जो सरदार अख्तर मैंगल के कजन भी हैं बीएनपी के उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन मजबूत है और इस वक्त वो लीड कर रहे हैं वहां पर। जो मकामी जराए वो बताते हैं कि अलग जो ज्यादातर पोलिंग स्टेशन की के जो रिजल्ट हैं उसमें आगे लीड जो है वो बीएनपी के रहनुमा कर रहे हैं, जबकि जो लखेला का इलेक्शन है वहां पर साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर है मौजूदा, वो दोनों सीटों पर जीते थे, उन्होंने सुबह ही असेंबली की सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद अब उनके दामाद जरीर खान मक्सी वहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और जरीर खान मक्सी जो है वो नवाबजादा आमिर खान मक्सी जो कि पीपल्स पार्टी के सिंध के एमपी हैं और नादिर मक्सी उनके चचा हैं वो भी सिंध के एमपी हैं, जबकि तारिक मक्सी बलोचिस्तान आवामी पार्टी के बलोचिस्तान से एमपी हैं उनके भतीजे हैं, बल्कि वजीर बने हैं तारिक मक्सी साहब तो वजीर बन गए हैं ना 12,964 के साथ लीड कर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने रात गए हमायत की है जरीर खान मक्सी की, जिसके बाद जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे रहनुमा मोहम्मद गजनफर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, डोगर बाबर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, पंजो शाहिद साहब तांजी वडी मेहरबानी, साईं या इलेक्शन जा को हवाल इन में मुझे ख्याल में जेको सिंध वाली सीट आ कंबर शहजाद कोटवारी यो त मतलब बीते सामू तो को हुम कोन पे नजर आयो है पेरी जदे जे यू आए हुई ऐसे तो वो स्ट्रांग कैंडिडेट है पर उन को घणो को बूटो कौन बारे घना वोट कौन हुआ इन भेरे तो ये जो को टीएलपी है टीएलपी जो थे को अगे पॉलिटिकल पर खैर वो तो वो तो इरेलेवेंट है बाकी ही जगह सब का वदी शे जगह है पंजाब में जे की कुछ थे पियो थे केडे अनुसार चुंडू इन्हें के बाकायदा सा डिसन की जरूरत पौंदी हूँ तो नवाज लीग जो सो कुछ कम कया बन बो मान के पक है हाँ ही हुकूमत में ही रही सीटू अगे भेरे भी बाबा डोगर साहब लगे तो यो सर उन जगह वही गाल हुई तो पीटीआई जो नैरेटिव हो जैसे मेन इलेक्शन थे पे तद उन तो असेंजे चीफ के आजाद कराए वी जैसे इलेक्शन खटूँ था वगैरह वगैरह तो वह तो गाल न थी सकी तो हाँ ओडो ही इन जोर शोर से शूं न थे हूँ जहर जी रिपोर्ट्स उन मुताबिक तो कौन थी तेजे कर मतलब त इन जो पीएमएल छाकाण जो हुकूमत में आए हुकूमत में वा हमेशा आसरा रहता प्लस ही वाली जी शे तो इन कर मुझे ख्याल में को वो कोन जो चलो वक्फोटू तो नाजरी इलेक्शन जहाँ नतीजा जो इंदा वा आवाज टीवी की स्क्रीन से तक अपडेट मिलता रहा था पर अस वक्फोटू तो वक्फे मोटी प्रोग्राम के सिलसिले अगत रहो। वेलकम बैक नाजरी अचो प्रोग्राम के सिलसिले अगत गुफ्तु क्यों था चूंडन के हवाले से चूंडन के हवाले से जहाँ सूरत हाल हेल तीन अस मिली है उन मुताबिक जेके नतीजन अचण जो सिलसिलो जारी है सांगी साहब उन हवाले सा गलायो पे सांगी साहब पंजो पंजाब जे अंदर जेको नतीजा जेके हाने अचन पिया जी बाबर डोगर साहब भी बुधायो पे त नून मुस्लिम लीग नून जे तरफा ही कयो वेंदो ही कयो वेंदो वो पंहिंजी जाइ ते जेको भी वो थे तो पर मजमूई तौर ते जेको ट्रेंड अचन पिया वो इएं पिया लॻे त उन पान भी चयो ये सीटू आयनी उनन जो आयनी उनन जो हां त उनन जो खाली कलन पर एकडी सीट पंजाब जंद रहीम यार खान जा जते अगे भरे इलेक्शन न थी हुई उते पीपल्स पार्टी एंड पीएमएल एन जे विच में मुकाबला हां यो पानत में जे के हियर पान इतादियन मते हां हां दिसो मुझे ख्याल में ही जो को पंजाब जी रिजल्ट अचे पे ही जे उने में मतलब तो को सुबह के हद को वो इम्पैक्ट उनको कोन मुस्लिम लीग नून जो सीटों हुई वे वो खड़ी वही उन्हें का ही पीपुल्स पार्टी के पीपुल्स पार्टी अगेन उतने उनकी इतादी आ उन्हें वोट बी का अड़ी कद का सीट जी पीपुल्स पार्टी अची थी
वो भी उन्हें वेंदी तो उन्हें जो को पॉलिटिकल उन्हें सिचुएशन को पीपल्स पार्टी मेन कंटेनर तौर आए को आए को बी से हुआ है। अच्छा इन में तदे थे आ तो जेकरे पीटीआई या पीटीआई जो को उन्हें जो बिहारल उम्मीदवार सुनीता तहरीक के जरिए उते अचे आ खटे अचे या को वडी उन्हें सा अचे जें जो अमकान घट तो लगे वो एकड़ो हुयो पर उन्हें साम को हुकूमत को डिस्टेबलाइज थी वे पॉलिटिकल या सजो सिचुएशन डिस्टेबलाइज थी वे वो एडो को वडो अमकान उन्हें कोन हुयो बस ठीक है एकड़ो लोकली उन्हें के मानू सेलिब्रेट भी कंदा केडी मन के तकरीर में गाला से बेसा सबनी शन जे बाउज को खटे पर एकड़ी गाला जे के हो 2013 जे चुडन में हालांकि वो बंजरदामो केड़ो हो वो तफसील थी वंदो तो 2013 के चूडन का नतीजा आया चाहिए तो भाई पीपुल्स पार्टी 5 साल गवर्नमेंट के हाँ हाँ वो 100 भेजी वही पार्टी वही बची आ हालांकि उन वक्त जो 13 के चूडन में यो थो सलमान तासीर साहब के 2008 का 13 वाली हुकूमत विच में शहीद किया वो शहबाज भट्टी साहब के पंजाब में शहीद किया वो हो उनखा अलावा जो सलमान तासीर के पुट के अगवा किया वो हो इलेक्शन हलंदे जो वजीर अजम यूसुफ रजा गिलानी साहब के पुट के इलेक्शन कैंपेन में अगवा किया वो तो वो जो सजो मंजरनामो हो 13 वाली इलेक्शन जो पीपुल्स पार्टी के जोरी जो है माना दीवार से लगाया वो हो वरी वो नून लीग उन वक्त झुमरू पूँ सागो हथ वो नून लीग से वो जो है अरड़ा की चूडन वैल वो तो रड़ियों रड़ मत रड़ हुई उन्होंने पर खैर जो स्कीम ठाणारा हुआ उन्होंने यह स्कीम तहाँ 8 जी ऐसो इत अरड़ा तई जो तो तक नजर इंद तो 8 में भी उन स्कीम के हिस्सों ही हो शहीद मोहतर तो 13 जो सिनेरियो या 18 जो सिनेरियो ये न थे तेज थर्ड ऑप्शन वो जो चैलेंज हो वो थर्ड ऑप्शन के इम्प्लीमेंट करण लाए एग्जीक्यूट करण लाए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो जी शहादत वो वाक्यो 13 में पीपुल्स पार्टी के दीवार से लगाए नून लीग के दिन वो वाक्यो तो वो जो COD के करके बिन पार्टी के उन्होंने बिल्कुल दीवार से लगाए साहब की शहादत के करे उनके कमजोर करण की कोशिश कई हुई पो वरी उनके हुकूमत का पो उनसा जो हुकूमत के दौरान उनकी पैंजी हुकूमत में उनको सिटिंग गवर्नर शहीद थी वे उनको सिटिंग फेडरल मिनिस्टर शहीद थी वे उनका पो यो अगवा थी वे उनको प्राइम मिनिस्टर पुट वरी में एक बी भी शायद थी भाई साहब ताने के याद हो जने 2008 जो चुंडू थी वे उनका पो हुकूमत ठई तब पो जेको पीपल्स पार्टी एंड नून लीग के धर में बीच में गालियम थियो इनके मिनिस्ट्रीम दिनी में भी ता इते अचो पीपल्स पार्टी के भी ऑफर के भी तो इन एडवाइजर पंजाब में वरता हुआ माहौल ठो पे तो जो मरी में जो टास्क थे गाल मीटिंग थी PMLN की तो उनका सिचुएशन हटी जैमें PMLN जो आ पीपुल्स पार्टी के जो स्पिरिट हो COD वो जो तुम बुधा उन्हें वापस विथड्रा थे शुरू कर अच्छा ये वाक्य तुझा पा इो उन सजे सिचुएशन का जहाँ ज़्यादा तो उन्होंने इम्पेक्ट तो विधो न पॉलिटिक्स से तो हि ढो अहम है तो ओडी मल शुरू के उन जो 4-6 महीना हुआ तो PMLN पीपुल्स पार्टी गुड पे बीहे उन विसरा पे थे हाँ पर खैर तो हाँ जैसे वो थर्ड फोर्स इम्प्लीमेंट थी एग्जीक्यूट थी थर्ड फोर्स इन कर ही आई बुधो ना हाँ उन थो पो उआ उनी जा उनी वरी रूट पकड़ा हां उनी जका एकड़ो पौधो लगी हो तो उन जो बिन मोजर पार्टन के भिड़ाई दो ठीक है ना तो पो तो स्पेस निकरन और को टेजला वो निकतो 24 जे चुनन में वरी ता सो वरी एकड़ो पंजो उनन के पंजो एकड़ी मैनेजमेंट करनी पई जको आम तो सीनरियो पर हाने नतीजा जके ये चिंता मुझे ख्याल में तो पाकिस्तान जे अंदर ही नई हुकूमत जका आई है हाँ अना तीन कोई वो चैलेंज ना है न को अड़ी सियासी तहरीक के हवा से अज कराची के अंदर जो शेर अफजल मरवत हाँ शेर अफजल मरवत की लेवल से एजिटेशन की लीडरशिप कदा चेयरमैन बो फिगर्स बहुत माना वो जो माना पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर गोहर पैंजी जाए ते वरी वजीर अजम जो उम्मीदवार बिहार हुए उमर अयूब साहब वो पैंजी जाए
वरी जो लतीफ खोसा साहब जैसे सदर क्यों बता हुआ जगह से पर मरोवत साहब भी गोड़ गोड़ के करे चढ़ो आ ना अदरवाइज पीपल अदरवाइज लीडरशिप के हवाले से प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर हुई हाँ मिसाल तौर कराची में पीटीआई वही गाल गोड़ कर खुरम शहर जमान भी काफ़ी आसेंबली में गोड़ कद असेंबली में गोड़ कद बहरहाल वो या हलीम आदिल शेख साहब गोड़ कर बहरहाल यो अजीब गरीब आत ही बी लीडरशिप इवॉल्व कर कई पी वे माना एकड़ा मून एक तो बानी पीटी आया बो जो पुराना जो ओल्ड गार्ड्स जैमें तुम असो हीो सदर मोहतरम जो हो अलवी साहब पैं जगह से उनखा केपी मां जो असद कैसर वा बे पर हाँ तो असद कैसर सजे हुकूमत साजी के मरहले में गुफ्तगु पर हाँ तो मुझे ख्याल में शहर में लाइम लाइट में ये ना अलवी साहब भी को असद कैसर भी मुख्य जो तो हाँ तो उन्न जे मंजिल उन्हें मिली जिन जो शरीक सफर न थे भाई हाँ यो तो वरी दिसजे न तो केर तो मंजिल माने केर किथे तो पे फिलहाल तो मतलब फिलहाल तो उसे तुम वाली गाल तो ओल्ड गार्ड्स जो हिंसर जो कुछ थे पो उन्हें का थोड़ा हटल ठीक है एकड़ी गवर्नमेंट उन्हें ओल्ड गार्ड्स के छे वरी जेका लीडरशिप हलो इवॉल्व कई वही प्रेसिडेंट गोहर के चेयरमैन के तौर पर पोर्ट्रे के वरी वजीर आजम के कैंडिडेट के तौर पर उमर अयूब साहब के जो पशीर में जो जलसो थो उनमें पार्टी की नुमाइंदगी कर उमर अयूब साहब हो कराची के अंदर जो है एहतजाज जैसे भी थे तो वह बी लीडरशिप इवॉल्व थे उनके बजाय इरफान मुरोवत इरफान मुरोवत चाह तो शेर अफजल मुरोवत के अगे भेरे भी इलेक्शन कैंपेन भी सजी सिंध में हलण लाइ इन मानू के मोकलो वो हो गाल लॉजिक समझ में नी अचे वरी यो फैसलो थो तो भाई उनके पार्टी चेयरमैन चो तो तू या कैंपेन छे वापस अच वरी उन चो तो ना मुख्य अड़ो को पीटीआई जो यो मुरोवत वो फार्मूलो मुझे समझ में ना अचे असल में ही इतने जो अस केपी के में आयल पॉपुलेशन इतने रहे पी तो उन्हीं कम्युनिटी जो को मरवत कम्युनिटी शायद वधिक आए या उनके जेर असर वधिक इतने मानू न पर सांगर ते बेन हन ते पजो टंडा लाया ते जलसा के आगे इलेक्शन कैंपेन अच्छा वो मुझे घर में इन के अली पल साहब ही वो इस्तकबाल के सो ते पजो साहब त क्या कहे मानू तो सुठवा पर तो इन जो यो आहे त मतलब त मतलब बंद काई में बे को कम न पियो हले त उते ठीक आ ता अदा वणो या यो न सो मेरी खड़का खुड़की या उचो इते डिस्टर्ब पियो करे तू बा यो कम बे कदे कर ई थी ना चलो वार्ड का लागू था रईसी साहब जो दौरे थे रईसी साहब ईरान जो सदर जो आहे वो अचे पियो बेडी हंजे खंपो अज पजो 23 तारीख ते इंदो ए हुन जो इस्लामाबाद लाहौर ए कराची में हुन जो तकरीबात हन इतने कराची में उनकी वाइफ जो किताब है उनकी रूनुमाई भी है ही एक तरफ अमेरिका ने कराची यूनिवर्सिटी उनके डिग्री पे अवार्ड कर अवार्ड पे करे पर जो रईसी साहब के एजाज के साहब के हां बिल्कुल यो इन्हीं के हन हन पस मंजर में जरा ही सजी सूरत आला में किया था रिसो सो फय साहब ही कहीं ईरान जे इन हुकूमत के सरबरा जो पेरियो दौरो आगे को शाह ईरान कहें जमाने में हों तो आयो हों तो आयो हों उन जैसे का ही जो ईरानियन रिवोल्यूशन आयो उनखा इतने को मुख्य याद ना है तो को वो आयो हो तो इन करो वो इवेंट आ मुख्तलिफ ही जो कैबिनेट या फॉरेन मिनिस्टर वगैरह ये सब इंदा रहा पाकिस्तान में भी मतलब जो अस हुकूमत या सरबरा उ भी वह रहन बल्कि हेड ऑफ द स्टेट मुशरफ हो तो वो पो तो यो तो एक थो रहा इन कर वो अहम आ बी जो इनमें सजी जो गाल सजो यो ईरान के असल में घेरे में आंदो पे वो जो इलाही दिन का इनकी कोशिश रही अमरीकन उनका भी लॉबी उन तरफा तो मुख्तलिफ पासन उनके घेरे में भटजे
अच्छा पाकिस्तान जो भी सजो यो मामलो हो तो भाई पाकिस्तान जो ट्रेड आए या जो फॉरेन पॉलिसी या बया मुख्त खुद पाकिस्तान जो मतलब फाइनेंशियल मामला तो उन हवाले से तो उन सजो जो रो वो पाकिस्तान जो सऊदी अरब अमेरिका ट्रेड वगैरह के बारे में यूरोप से व्यापार के हवा से उनो तवाजन ठाने की कोशिश कई पो इतां खां मतलब ईरान वारी पंहिंजी चीन वारी एंट्री थी। अच्छा चीन वारी एंट्री थी तो उन नतीजे में इनके ईरान के यो सवलो लगो तो भाई चीन में जैसे पाकिस्तान में अंदर जो व्यापार जी इन सीपेक जो एंट्री थे थी तो उनते ठीक हो तो भाई ठीक है घट में घट हाँ इन पासे का अमरीकी इन्फ्लुएंस का बाहर तो अचे यो पासो जड़ो कर आज तो थे एट ईज फील तो करे तो हीड़ो सीनरियो है जैमें ईरान जो यो ख्याल है तो जैसे बेन पास का उनके घेरियो पे वे या जो सिचुएशन थे पी इन पास जै तो उनो कदम बधायो जो पैंजो जो सदर आने मोकल वो सागी जका सिचुएशन मतलब वो विच में हालांकि बे ये शूं रो इन पैं पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर से थोड़ा ठका ठुकी जो थी वह भी रही वो तो वरी भी उते शिद्दत पसंद ग्रुप आए जैशुल कड़ी अदल तो उन जो हो पर उन्हें पाकिस्तान भी कुछ कयो तो वो एकड़ो उन्हें अच्छा उनके अना तो मुझे ख्याल 6 महीना भी को सजे ना वो काफी रिसेंट हाँ तो वो पासे रखी करे मत ही आयो आ अची करे ये सब शयूं थन थी तो उन्हें जो जो मुँह पढ़ो पे फॉरेन ऑफिस जो जो बयान हो तो उन्हें में हो तो भी असा जे गडियल खतरा उन्हें के मुँह दियन से गाल बाकी ट्रेड एग्रीकल्चर कनेक्टिविटी एनर्जी वगैरह वो यो तो हो पर ही ढो अहम हो तो जो गडियल खतरा हाँ गडियल खतरा कड़ा थी सकन था यो ढो इम्पॉर्टेंट मतलब गडियल खतर में भाई जमान जो इतला है यो टिन शहर दौरों जी जी बी गाली एजाजी डिग्री है वाइफ जो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर होंगी टी जी गाल है कराची डिवीजन के अंदर स्पेशल छुट्टी बुट्टी ऐलान पर उनका भी अहम गाल उनके वफद में जो बिजनेस कम्युनिटी जमाम वो वफद पे अचे ये ना तो मुख्तसर सदर है फर्स्ट लेडी पी अचे पर एक वो ह्यूज वफद अचे पो जो जहर वो मुख्तलिफ सेक्टर्स से मुख्तलिफ सेगमेंट्स से को बिजनेस कम्युनिटी से को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स से इंगेज क तो इहा एडे वडे वफद सा गड विजिट करण उनी जी इंपॉर्टेंस पेंजी आ छकन साहब वडे पाकिस्तान ईरान जे विच में मतलब एकरो तो व्यापार थोरो घणो थे तो उनी जी वो आए तो आए पर एकरी तमाम वडी गुंजाइश आ बे पाण वट हियर भी एकरो ता के खबर आ त पेट्रोल की स्मगल थी अचे तो इते पाण वट आए बल्कि उनमें त जेको अध बलूचिस्तान जा जेके माण्हू आहिनि परे पास वाला अद तो ऊँ थोड़ा शायरी में पे चाहूँ पर गच उन इन भी ठीक है जो पेट्रोल से अचे तो स्मगल थे तो उन्हें बी जो खाधे पीते शूं अचन थी इम्पोर्टेंट है खास तरह ईरान जो है मिडल ईस्ट के अंदर जो एस्केलेशन हल पी वार की सूरत हाल उनमें ईरान ते इसराइल जो हमलो या ये जो कुछ इसराइल जी उनके ईरान जी रिटेलिएशन उनका पो पाकिस्तान जे हवाले से वरी अमेरिकन से जो कल खबर जो पा डिस्कस कयूं इन बैकड्रॉप के अंदर जैसे डिस्कस कजे तो सदर ही अचे तो पो एडे वे वफद से गड अचे पो टिन शहर के अंदर रहे तो जहरा उत टिन शहर के बिजनेस कमिटी से उनो यह इम्पोर्टेंट विजिट है जहरा पाकिस्तान की फॉरन पॉलिसी के हवाले से उन्हीं इम्पैक्ट जो गैस वो तो घना मामला डिस्कस नाजीन गुफ्तगु तो प्रोग्राम पूरा थे तो मेजबान फयाज़ नाशिद।